प्रॉब्लम नंबर 53 को देखो, और ये प्रॉब्लम पूछी गई है भाई, प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, इसलिए आप किसी भी प्रॉब्लम को इजी ना समझें और हल्के में ना लें कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन पढ़ रहा भाई, सब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छी करनी है तो ये पढ़ना पड़ेगा, आपका फैक्ट है भाई, ये पढ़ना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, प्रॉब्लम नंबर 53 के अंदर, द EMF ऑफ ड्राइविंग सेल यूज इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शुड बी मोर देन द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड। इसका मतलब ये हुआ, जो आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर में जो आप सेल इस्तेमाल करते हो, पोटेंशियोमीटर के अंदर जो आप सेल इस्तेमाल करते हो, इसका जो EMF है वो हमेशा ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, इसका EMF ज़्यादा होता है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप जो आपको मेजर करना है उससे। रीज़न क्या है कि आप हमेशा EMF है ना, जो सेल आप इस्तेमाल कर रहे हो, ड्राइविंग सेल बोलते हैं उसको, उसका EMF ज़्यादा लेते हो, किसके, जो पोटेंशियल ड्रॉप आप मेजर कर रहे हो वायर के अंदर। क्यों ऐसे, क्यों देखो, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, इट मीन्स हम जो है ऐसा कर रहे हैं कि EMF कम वाला आप सेल इस्तेमाल कर रहे हो, जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना उससे कहीं ज़्यादा कम आपने EMF वाला सेल ले लिया, तो भाई किसी भी हाल में जो नल पॉइंट है ना, बैलेंस पॉइंट जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर के अंदर, वो कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। आपने एक चीज़ देखी होगी, आपके पास पोटेंशियोमीटर के अंदर आप करते क्या हो, पोटेंशियल ड्रॉप देखते हो पर यूनिट लेंथ पे, उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप देखते हो। तो पोटेंशियल ड्रॉप आप तभी देखते हो ना जब सोर्स बहुत ज़्यादा पोटेंशियल का हो, तभी तो आप बैलेंस पॉइंट कहीं ना कहीं तलाश करते हो कि इतना पोटेंशियल बराबर हो जाएगा उस बैटरी के पोटेंशियल के, ये तो करते हो। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब EMF ज़्यादा वाली आप बैटरी या फिर सेल इस्तेमाल करो। तो समझ गए आप लोग, बैलेंस पॉइंट लाने के लिए, इट मींस जो नल पॉइंट है उसको ऑब्टेन करने के लिए आप ज़्यादा EMF वाला सेल इस्तेमाल करते हो। तो आप ऐसे लिखोगे इसको आंसर में, इफ इट इज नॉट डू, अगर ऐसा नहीं किया गया, द बैलेंस पॉइंट, द बैलेंस पॉइंट इन पोटेंशियो मीटर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, अगर ऐसा नहीं किया गया तो बैलेंस पॉइंट को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको करना होता है, आपको ज़्यादा EMF वाली बैटरी इस्तेमाल करनी होती है। थैंक यू सो मच, समझ में आ गया हो तो वीडियो थम्सअप जरूर करें। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं।